हाय फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया प्रोविजन सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस. ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन. IMP लिख कर रखो, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट प्रोविजन. ठीक है, अब इसमें क्या है थोड़ा आप समझ लो. देखो क्या लिखा है, डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस. तो यहां पे आप जो उस बिजनेस के लिए जो स्पेसिफिक एक्सपेंस करोगे उसका डिडक्शन मिलेगा. देखो कितना मिलेगा, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो जो नीचे लिस्ट दिया है, देखो आपको टेबल नीचे टेबल दिख रहा है, उस टेबल में जितने भी बिजनेस है उन बिजनेस के लिए आप जो भी खर्च कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात चल रही है, उसका आपको 100% बेनिफिट मिलेगा. अभी लॉजिकल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कैन यू क्लेम डेप्रिसिएशन अगेन सिमिलर टू साइंटिफिक रिसर्च. कि जहां पे मैंने आपको बोला है, जहां पे PGBP में आपको 100 कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगर मिल रहा है किसी दूसरे सेक्शन में, तो सेम एसेट का आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. तो देखो क्या लिखा है, इन एलिजिबल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, नीचे जो मैंने पॉइंट 1 और 2 दिया है उस प्रकार का खर्चा है तो वो कैपिटल में इंक्लूड नहीं है. बाय नेचर वो कैपिटल होगा बट इनकम टैक्स में उसको कैपिटल नहीं माना जाएगा. देखो क्या लिखा है, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट और एग्रीगेट, कुछ याद आ रहा है क्या, सेम ही ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे, याद है इन अ डे कहां पे पढ़ा था, ये डेप्रिसिएशन में पढ़ा था, एक्चुअल कॉस्ट सेम. मतलब क्या है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका अगर आप पेमेंट 10,000 से ज्यादा करते हो इन अ डे और एग्रीगेट तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. वहां पे डेप्रिसिएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, यहां पे 35AD के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. याद है कि नहीं आपको, हाँ. तो ये पॉइंट 1 तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं. कहां पे पढ़े अपन ने, एक्चुअल कॉस्ट में, कि एसेट लो लेकिन 10,000 के ऊपर एक दिन में ना कैश में देना है ना बेरर चेक में. एंड दूसरा ये ना है आपके लिए, एनी एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड. देखो साइंटिफिक रिसर्च में भी था, जमीन नहीं खरीदना है, याद है. गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है शेयर्स. तो अगर ये 1 और 2 में जो एसेट्स दिए है वो 100% के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक है, ओके. सो अभी पढ़ना क्या आपने को, कौन से है स्पेसिफाइड बिजनेस, पढ़ना क्या आपको, विच आर द स्पेसिफाइड बिजनेस. ये जो लिस्ट है फाइनल में एक एक बिजनेस पे डिटेल डिस्कशन है, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो आई जस्ट गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल द बिजनेस, है ना. आपको समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इट्स ओके. जस्ट ध्यान में रखना नाम क्या है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बींग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क. मतलब क्या, एक देश से दूसरे देश अपने को ऑयल सप्लाई करना है तो अपन पाइपलाइन बना देंगे, तो उसमें से अपन पाइपलाइन से क्या कर सकते हैं, ऑयल बेच सकते हैं, करेक्ट ना. तो उस टाइप का अगर ये है वो अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको बेनिफिट मिलेगा. सेटिंग एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोल्ड चेन फैसिलिटी क्यों लगता है, जो पेरिशेबल गुड्स है उसको प्रॉपरली स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, करेक्ट. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके लिए अपने बनाए वेयर हाउस. फोर्थ, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल ऑफ 2-स्टार एंड अबव कैटेगरी, हाँ चाय की टपरी नहीं, 2-स्टार एंड अबव कैटेगरी के होटल. एंड अगले कॉलम में डेट दिया है कि कब स्टार्ट करना है ना. वो डेट लर्न करने की जरूरत नहीं, पॉसिबल नहीं डेट लर्न करना, उसके बाद स्टार्ट करना है. तो होटल के लिए क्या डेट है, 1/4/2011 के बाद. बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट बेड्स फॉर पेशेंट 1/4/2011 के बाद. मैं देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 100 बेड बोला है, पेशेंट नहीं होने चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए. नहीं तो आप बोलेंगे मेरे को बेनिफिट मिलने के लिए 100 पेशेंट्स को पकड़ के लाओ. उन्होंने बोला कैपेसिटी होना चाहिए कि यू कैन अकोमोडेट 100 पेशेंट. तो उसके लिए आपने जो बिल्डिंग वगैरह बनाया, इक्विपमेंट लिया, उस सबका आपको मिलेगा 100% फर्स्ट ईयर ही. डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम. मतलब गवर्नमेंट कहते हैं ना स्लम रीडेवलपमेंट, मतलब क्या है, वो झोपड़े हटा के गवर्नमेंट बिल्डिंग बना के देती है, तो वो बिल्डिंग आपने बना के दिया है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है पूरा एग्जेम्पशन. डेवलपिंग बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम है अफोर्डेबल हाउसिंग, छोटे छोटे घर बना के देना, उसके लिए आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे
वो भी एग्जेम्प्ट है. सो ये अलग अलग बिजनेस आपको करना है. इस बिजनेस में आप हो, उसके लिए जो भी प्लांट एंड मशीनरी वॉट एवर यू नीड, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा 100%. न्यू प्लांट और न्यूली इंस्टॉल इन न्यूली इंस्टॉल कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, उसके लिए आपने नए मशीन लिए 100%. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ये कस्टम के वर्ड से आपको जानने की जरूरत नहीं है, कस्टम एक्ट में आते. तो इसके लिए आपने ये सेटअप किया, उसके लिए जो खर्चा किया ये डेपो बनाने के लिए. ये डेपो क्या रहता है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर पूरा होता है, इसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो. आप पोर्ट भी जा सकते हैं, बट मैं नागपुर में हूँ और नागपुर से डायरेक्ट मुंबई आना पड़ता है, बहुत दूर है. तो गवर्नमेंट ने नागपुर में ये बना के रखे ताकि एज ए इंपोर्टर एक्सपोर्टर यू कैन डू ऑल द फॉर्मेलिटीज एट ICD एंड CFS. दैट इज द सिंपल पर्पज ऑफ दिस, ठीक है ना, टू कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज. बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ अनियन बी वैक्स, सेटिंग ऑन ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, ऊपर का था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये शुगर के लिए. लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन, सैलरी नहीं, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन ओर. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मशीन, ये क्या है पूछने का नहीं है, मतलब ये बिजनेस अलग अलग है, अभी जस्ट लिस्ट पढ़ना है. इसमें डिटेल में क्या है बिजनेस, ये सब फाइनल में है, तो इसलिए मैं अभी शेयर नहीं करूंगा आपके साथ, जस्ट गो थ्रू द लिस्ट. बिजनेस ऑफ डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग, डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, करेक्ट ना. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, रोड इंक्लूडिंग टोल रोड, ब्रिज, रेलवे सिस्टम आपने बनाया गवर्नमेंट के लिए, हाईवे प्रोजेक्ट्स किए इंक्लूडिंग हाउसिंग एंड अदर एक्टिविटीज, बींग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इरीगेशन, सैनिटेशन, एंड लास्ट पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट, नेविगेशन चैनल इन द सी. तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ओके, मतलब एक्सप्रेस हाईवे वगैरह बनाना, ये सब. लास्ट बताता हूँ, नेविगेशन चैनल इन द सी मतलब क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब बाकी पोर्ट वगैरह तो आपको समझ में आता है, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में अभी नहीं आएगा. फाइनल में एक एक वर्ड पर डिस्कशन होता है, पर भी जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस लास्ट वन इज इंटरेस्टिंग इसलिए बता रहा हूँ. भारत और श्रीलंका है ना, जाने के लिए क्या है प्रॉब्लम आपको बताया, बीच में पत्थर डालते श्री हनुमान जी ने, याद है ना आपको, करेक्ट ना, वो पता है कि ना आपको, रामायण देखा क्या आपने, हाँ. तो वो उसके वजह से क्या होता था, जो शिप थे वो जा नहीं पाते थे. भारत श्रीलंका डिस्टेंस बहुत कम है, 7 नॉटिकल माइल ही है. कितना है, 7 नॉटिकल माइल, हमने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ इंडिया 12, तो ये 7 डिस्टेंस है. चेन्नई से आप गए तो 45 मिनट्स में यू रीच श्रीलंका, बस जाओ मत, है ना, इज सिमिलर टू केरला, आई एम द विक्टिम, सो है ना, सिमिलर टू केरला, तो आप केरला जाके आओ सेम लगता है, कुछ फर्क नहीं है. सो अभी वो क्या था, वो शिप जा नहीं पा रहा था, तो वो जो बीच में जो पत्थर थे उसको तोड़ने का काम करने वाले थे, ओके, तो उसको बोलते हैं नेविगेशन चैनल इन द सी, ताकि नेविगेट कर पाए, उसका नाम. तो वो तोड़ने का, लेकिन फिर जैसे तोड़ने लगे सब लोगों बोले कि ये तो धार्मिक है, भगवान नाराज होंगे, ये हो, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. उस प्रोजेक्ट का नाम दिया था राम सेतु प्रोजेक्ट, तो उसके लिए वो एग्जेम्पशन लेके आए थे, करेक्ट ना, बट नो वन वॉज रेडी, क्योंकि सब लोगों ने फिर जो अपोजिशन पार्टी थी कि ये भगवान का है, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, राम नाराज हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा, XYZ, सो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो पत्थर जोड़ के वो, हाँ करें ना, पानी में रास्ता नहीं बन सकता है, बाहर के देश में, इंडिया में नहीं बन सकता. सो वो पत्थर तोड़ के शिप को जाने के लिए बना देते हैं. अभी क्या होता है, अब ऐसे घूम के जाना पड़ता है, बिकॉज बीच में क्या है, पत्थर है, एक्सीडेंट हो जाएगा, डीप तक पत्थर है ना, सो पता नहीं चलता, शिप जा नहीं पा रहा है, तो ऐसे घूम के जाता है, तो वो तकलीफ कम करने के लिए सीधा रास्ता है, बट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, अभी होगा भी नहीं. तो वो जो चैनल कंपनी बना लेते उनके लिए एग्जेम्पशन लेके आते हैं, तो उस प्रोजेक्ट का नाम था राम सेतु प्रोजेक्ट. तो ऐसे हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ लॉजिक्स है, बट नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए मैं आपको एक जो मेरे को लगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है. तो ये है, अभी ये जो बिजनेस है ना लास्ट वाला, ये जरा संभल के पढ़ना है, क्योंकि ऐसा ही बिजनेस आता है ATI में, जो डिडक्शन का चैप्टर है, जो मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ. फर्क क्या है दोनों में, वहां पे इनकम एग्जेम्प्ट है उसका, एंड यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट है, करेक्ट ना. तो ध्यान में रखना, ये बिजनेस आपको आगे बहुत जगह पे मिलेंगे, बट ध्यान में रखना क्या, कि वहां पे एग्जेम्पशन किसको दिया है, प्रॉफिट को दिया, यहां पे एग्जेम्पशन प्रॉफिट को नहीं दिया है. यहां पे क्या बोला है कि
कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि मेरे पास क्लाइंट आ गया, अभी बता रहा लॉजिक, बहुत जबरदस्त लॉजिक सुन लो। क्लाइंट मेरे पास आ गया, बोला सर मैं 35AD में बेनिफिट लूँ या ATI में, बताओ क्या बेटर है? वहाँ पे प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होगा 10 साल तक, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिर ये क्यों क्लेम करना है, मतलब क्या पर्पस क्या है, मतलब ये स्कीम का लॉजिक क्या है? सी दिस इज नथिंग बट टैक्स सेविंग ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप FM में पढ़ते हो ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बस वही है, करेक्ट ना? आपको पूरे 100 रुपए का बेनिफिट आज ही मिलने वाला है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट क्या होगा, हर साल एग्जेम्प्ट होगा अगले 10 साल तक, लेकिन ये यहां पे इस साल एग्जेम्प्ट हो रहा है बस। तो डिफरेंस क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो बेनिफिट आपको 10 साल में मिलने वाला है वो आपको क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन में, आज मिल रहा है। तो वहां पे आपको लॉजिक लगाना है कि कौन सा सिलेक्ट करना है, फिर कौन सा बेटर है क्लाइंट के लिए। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो यहां पे टैक्स सेविंग क्यों होता है, बिकॉज जो बेनिफिट आपको 10 साल में मिलने वाला है प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, वो पूरा इस साल ही मिल जाता है। तो फ्यूचर बेनिफिट आज मिल रहा है, टाइम वैल्यू। आप पढ़ोगे FM में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या पढ़ा भी रहेगा, आई डोंट नो, करेक्ट ना? सो वो है, वो लॉजिक पे प्रोविजन बना है, ठीक है? तो अगेन दिस इज इनफ फ्रॉम, है ना, फाइनल में बहुत बड़ा चर्चा होगा। तो ये नाम एक बार पढ़ के रखना है। चलो अभी एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, देखते हैं फिर क्या है। विल लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग 3-star hotel इन तिरुपति ऑन 1/4/18। 3-star मोर देन 2-star है क्या? इट प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स, कॉस्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड इन जून 1760 लाख, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फाइनेंशियल ईयर 1718 में हुआ है 30 लाख, एंड 1819 में हुआ है 150 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ऑल न्यू एक्वायर्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल 1819 30 लाख। All the above expenditure were capitalized in the books of the company. Net profit before depreciation for financial year 80, मतलब ये सब माइनस करने के पहले 80 रुपये आपका प्रॉफिट है। Determine the amount eligible under section 35AD for assessment year 1920. अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ना बाकी है, तो अपन थोड़ा आगे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे दिया है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एक मिनट मैं आपको, हाँ देखो यहाँ पे की नोट्स करके देखो आगे रहेगा, की नोट्स है क्या आगे क्वेश्चन के बाद? हाँ, तो इसमें पहला की नोट पढ़ लेते हैं अपन, उतना ही बाकी है। देखो प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस, एक व्हाट इज प्रायर पीरियड आपको पता है, कमेंसमेंट के पहले, है ना? अपने पढ़ा था ना, साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ा है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस में पढ़ा है, व्हाट इज प्रायर पीरियड, कमेंस होने के पहले का। Expense incurred only for the purpose of specified business prior to commencement of operation shall be allowed as a deduction. ये भी आपने पढ़ा है, वो लोग कब मिलेगा, अपन ने जितना पढ़ा है वही लॉजिक है, कब मिलेगा? Commencement के पहले मिल किया तो कब मिलेगा, बराबर है? जिस साल commence किया उस साल मिलेगा, वही दिया है। If the amount is capitalized in the assessor's books of on the date of commencement of operation, तो prior period का भी benefit मिलेगा। दो conditions क्या है, जिस साल कमेंस हुआ उस साल मिलेगा, एंड उस साल वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज होना जरूरी है, ठीक है? चलो ओके, तो देखो अभी अभी एक एक करके थोड़ा एनालिसिस करते हैं। बताओ जमीन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लैंड एलिजिबल ही नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, दोस्तों अपना प्रीवियस ईयर 18-19 है, इन्होंने 17-18 में काम किया है, वही पॉइंट अपन ने अभी पढ़ा था, इसलिए मैं आगे गया था। बोलो प्रायर पीरियड का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? 17-18 में 18-19 में, तो कैन आई क्लेम बोथ? तो 18-19 में कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी ऑल न्यू, उसका भी, इसका भी पॉइंट आ गया, मैं पढ़ूंगा, तो वो भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट टोटल कितना मिलेगा अपने को? यस, बिकॉज सी एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है ना, लैंड नहीं लेना है, गुडविल नहीं, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये छोड़ के सभी एसेट्स का बेनिफिट मिलेगा। और नीचे कह दिया है ऑल द एक्सपेंडिचर वेर कैपिटलाइज इन द बुक्स, वो जो कंडीशन था, प्रायर पीरियड का बेनिफिट कब मिलेगा अगर ये कैपिटलाइज हुआ है, तो हुआ है क्या कैपिटलाइज? हाँ, क्वेश्चन समझा क्या आपको? हाँ, तो बताओ टोटल 35AD में कितना है एलिजिबल? 210, कैसे 210 बताओ? 30 150 30, कितना हो गया? 210। एंड प्रॉफिट कितना है? 80। 60 का तो मिलेगा नहीं,
तो 80 में से 210 माइनस हो सकता है क्या? नहीं, तो कितना बैलेंस रहेगा? 130 बैलेंस रहेगा, जिसको हम एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। देखो अभी कैसे बताता हूं मैं, आप लिखते जाओ। लैंड को डैश कर दो, उसका तो नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लिखो 180, 180 कैसे है? मैंने ब्रैकेट में दिया 30 प्लस 150। प्लांट एंड मशीनरी 30, टोटल लिखो 210, तो टोटल डिडक्शन इतना ही मिलेगा 210। ये प्रॉफिट में से माइनस होगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना है देखो, हाँ 80 में से कितना माइनस होगा? 80 में से तो 210 माइनस नहीं होगा, 80 में से एडमोस कितना माइनस होगा? 80 ही माइनस होगा, तो बैलेंस कितना बनता है मेरा? कितना बनता है बैलेंस? जीरो। बैलेंस कितना बनता है? जीरो। लेकिन बताओ 35 का पूरा बेनिफिट मिला क्या? मिलना कितना चाहिए था? 210। मिला कितना? तो ये जो बचा 130 है, इट कैन बी कैरिड फॉर फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स लाइक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। खाली एक फर्क है, अनएब्जॉर्ब कैन बी सेट अप अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, दिस मस्ट बी सेट अप अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। स्पेसिफाइड मतलब उस 10-12 में से कोई भी चलेगा, ऐसे नहीं कि वही दूसरा चलेगा, बट वो इट मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट लिस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो बोलो 130 कैरी फॉरवर्ड होगा, होगा कितने साल के लिए? एन नंबर ऑफ ईयर्स। किसी भी बिजनेस के अगेंस्ट सेटअप होगा? नहीं। कौन सा बिजनेस होना चाहिए? स्पेशल मतलब उन 10-12 में से कोई बिजनेस। समझा क्या? खत्म, इतना तो है। देखो द बैलेंस डिडक्शन ऑफ 130 कैन बी कैरिड फॉर फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स एंड इट कैन बी सेटअप ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेसिफाइड 73 है, ये हम पढ़ेंगे सेटअप में, तो आगे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, चिंता मत करना, अभी जितना रिलेवेंस है उतना ही पढ़ा है। समझ में आ गया क्या आपको? हाँ या ना? चलो चलो अभी कुछ चलो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो क्या दिया है। मिस्टर कमेंस ऑपरेशन ऑफ सेटिंग ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन शुगर एंड एजेबल ऑयल ऑन 1/4/18। ओके, ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 लाख, 60 लाख एंड 50 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड January 2018 to March 2018। ओके, एक्सक्लूसिव फॉर द अबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज द सेम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1/4/18। ओके ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड अबव फिगर इज 50 लाख, 40 लाख एंड 30 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब ऊपर जो तीन अमाउंट दिख रहे हैं आपको, कितने देखो, तीन अमाउंट कौन से हैं? 80 लाख, 60 लाख एंड 50 लाख। इन तीनों में जमीन का खर्चा कितना है? 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख। ये क्यों दिया आपको पता है? इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपने को माइनस करना है वो। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्व नहीं करने वाला, बट कैसे क्वेश्चन समझेंगे तो आंसर समझ में आएगा। ठीक है, आगे फर्दर ड्यूरिंग ईयर 18-19 he incurred capital expenditure of 20 lakh, 15 lakh, 10 lakh respectively for extension of building purchase। मिलेगा ना building का, land का नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ये कितना 45 lakh, ये भी मिलेगा। The profit from the business of setting of warehousing facility for storage of food grain, sugar and edible oil for the FY 2019-20 is 16 lakh, 14 lakh and 31 lakh। तो इसमें से आपने को माइनस करना है, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, तो ये प्रॉफिट से तीन बिजनेस के उसमें से रिस्पेक्ट अमाउंट माइनस करूंगा। अच्छा, सब खर्चे तीन क्यों दिए समझ में आ गया ना? क्योंकि तीन एलिजिबल बिजनेस है अलग अलग, इसलिए तीन का दिया। हर एक बिजनेस का इनकम तो अलग होगा ना, दैट्स वाई थ्री फिगर्स आर गिवन। ये क्लैरिटी आ गया क्या? अगर किसी को डाउट है तो मैंने बता दिया है कि सो वाई थ्री कॉस्ट गिवन लैंड, लैंड के तीन कॉस्ट क्यों दिए? बिकॉज देर आर थ्री बिजनेस, तो तीनों बिजनेस का प्रॉफिट अलग है, तो डिडक्शन भी क्या होगा तीनों बिजनेस का? अलग होगा। ठीक है, ऑल्सो एज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिज इनकर्ड पेमेंट आर मेड बाई अकाउंट पी चेक। उसका लॉजिक पता है आपको, कैश में देंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, बराबर है क्या? अरे हाँ या ना? चलो तो अभी देखते हैं अपन कैसे उसको सॉल्व करना है, बराबर है ना? चलो अभी बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। यस, अभी देखो कौन से दिन बिजनेस, जरा बताओ एक बार, जाते बेसिक पे। फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन शुगर एंड एडिबल ऑयल, अब ये तीनों एलिजिबल है, पहले बताओ एडिबल ऑयल है क्या उसमें? शुगर है क्या? एंड फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन कहाँ पे आता है?
एग्रीकल्चर एंड शुगर केन, शुगर शुगर में आता है, ये दोनों है, कौन सा नहीं है? हाँ, तो मतलब एडिबल ऑयल जो है ये स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं है। अरे हाँ या ना, तो उसमें 100% मिलेगा या नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ, तो इसलिए वो पहला टेबल जो है वो एडिबल ऑयल का है, समझा आपको? सो एडिबल ऑयल को हमने क्यों अलग किया बताओ? क्योंकि वो स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं आता है। चलो सॉल्व करते पहले उसको, बताओ कितना प्रॉफिट है? देखो ऊपर दिया ना, देखो लास्ट है कितना है, हाँ तो लिखो 31 लाख। नाउ डिप्रेशन देखो कितना मिलेगा। अभी देखो एसेट कौन से लिए है, चेक करो। अभी देखो एडिबल ऑयल जो है वो तीसरा बिजनेस है, बराबर है ना? तो अपन तीसरा देखते हैं, तो तीसरे में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है? 50 लाख का टोटल खर्चा हुआ है। उसमें से जमीन का हटा दो, 30 लाख हट गया, कितना बच गया? बिल्डिंग का 20 हो गया, एंड नीचे भी देखो और उन्होंने 10 लाख का खर्चा किया है। मैं बराबर बोल रहा क्या? तीसरा पॉइंट ऐड करना है, तो 50 माइनस 30, 50 में से माइनस क्यों किया? 30 जमीन का खर्चा है, जमीन कभी भी डेप्रिसिएट, लॉजिक आपको पता है। गुड, बचे 20, और 20 में 10 तो एलिजिबल है, उसको भी ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। टोटल कितना हो गया? 30, बराबर है। चलो ना, व्हाट इज रेट फॉर बिल्डिंग, याद करो, बिल्डिंग के लिए फैक्ट्री बिल्डिंग है तो 10% है, सो करो 10% कितना आएगा? 3 लाख, बराबर ना? कितना इनकम होगा? 28 लाख। इसलिए इसको अलग किया। अभी 10 पे 10% क्यों? क्योंकि कौन सा एसेट है पता नहीं, क्या बोला है? देखो बोला ना एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग बोला है, तो ये 10 लाख भी कौन सा है? बिल्डिंग का है, इसलिए 10%। अगर बोलते ये मशीनरी होता तो मैं क्या करता? 10 लाख को अलग निकाल के उसका 15% क्लेम करता, है ना? तो 28 लाख तो कोई प्रॉब्लम है। तो बोलो पहला क्वेश्चन सब बताओ, एडिबल ऑयल को अलग क्यों किया? वो स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं आता है, मतलब उसको नॉर्मल होगा। तो मैंने 31 लाख इनकम दिया, वो तो दिया है क्वेश्चन में, कॉपी किया। टोटल खर्चा कितना हुआ है? 50 लाख। लेकिन लैंड का तो ना तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 50 में से लैंड का 30 हटा दिया, कितना बचा? 20, प्लस बिल्डिंग में 10 लाख का एक्सटेंशन किया, इसलिए उसी ब्लॉक में ऐड कर दिया, सो 30 लाख का 10%, 3 लाख, सो कितना आ गया आपका बिजनेस इनकम? 28 लाख। ये हमने किया है, एनी डाउट नाउ? हर एक चीज 100% समझ में आ गई, कंफर्म? कोई भी ऐसा रट्टा मार के कोई नहीं पढ़ रहा है ना? चलो अभी आते हैं अपन स्पेसिफाइड बिजनेस में। चलो पहले देखो फूड गेन का बताओ प्रॉफिट कितना है? 16 ना, टोटल लिखो 30। चलो अभी बताओ कितना एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऊपर किया ना अपन एडिबल ऑयल के लिए, वैसा ही है। बताओ टोटल कितना किया पहले फ्रूट गेन के लिए, टोटल बताओ। हाँ, इसमें से जमीन का हटा दो, नहीं 50 है ना, 50 है ना, तो कितना मिलेगा? 30, 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 नहीं एक एक करके लिखो ना। देखो अभी क्या लिखा, देखो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड प्रायर टू 1/4/18 एंड कैपिटलाइज एज ऑन 1/4/14 एक्सक्लूडिंग ऑन लैंड, तो मैंने अलग अलग लिखा है, मेरे फॉर्मेट के हिसाब से लिखो। आप बोल रहे हो करेक्ट है, इसको हाईलाइट किया, देखो लिखेंगे सब अलग अलग, लिखना है, लिखना तो है, एक्सटेंशन भी आएगा, डोंट वरी। तो बोलो कितना लिखो पहले, 80 टोटल है, उसमें से जमीन का हटा दो 50, मतलब कितना बचा? 30, एंड दूसरा कितना होगा? 60 माइनस 40, 20, टोटल 50 हो गया। ये कैसे आपको समझ में आया, क्या कैसे बताओ कैसे आया? टोटल में से जमीन का हटा दिया, हाँ। अभी बोले एक्सटेंशन में कितना खर्चा बताओ, पहले पे 20, दूसरे पे 50 है क्या, मतलब 35। सो ये रहा अपना एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर, 50, 35, 85, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ना जरा स्क्रीन पे ध्यान दो, फूड गेन का प्रॉफिट कितना है? 16, और सेटअप कितना करना है? तो कितना होगा सेटअप मैक्सिमम? 16 होगा, ऊपर का 34 कैरी फॉरवर्ड, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर
इन नंबर ऑफ इयर्स, इन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विच इनकम. सबको समझ में आ गया? गुड. तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, लिखो. तो पहले डिडक्शन लिखो, 100% मिलेगा मतलब यहाँ पे 50 मिलेगा, लेकिन टोटल डिडक्शन 50 नहीं मिल पाएगा. मतलब टोटल 50 ही है, मिलेगा 50 लेकिन कितना होगा कैरी फॉरवर्ड? नहीं, 16 तो मिलेगा ना, 34 कैरी फॉरवर्ड होगा. दूसरे का भी टोटल 35, इसका 100% 35 मिलेगा. अच्छा, दूसरे केस में कितना प्रॉफिट है अपने को? 14 ना, मतलब 14 एडजस्ट होने का कितना होगा कैरी फॉरवर्ड? 21. तो ये कैसा है बताओ? 50 माइनस 16. और ये कैसा है बताओ? 35 माइनस 14. तो ये आएगा टोटल 55. हाँ क्या? हाँ बराबर है ना, 16 मिलेगा तो 34 कैरी फॉरवर्ड वाला है ना. वो टोटल है दोस्त. हाँ ठीक है. अच्छा ये कॉलम में क्या? हाँ चलेगा ना, लिख सकते हैं आप. यहाँ पे कितना मिलेगा? 16. यहाँ पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. टोटल मतलब कितना माइनस होगा? 13. हाँ वैसे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम. आंसर बराबर है, समझा क्या? इज दिस क्लियर? अरे हाँ या ना? यस. चलो ना, कुछ हो गया. चलो अभी कुछ नोट से वो पढ़ लेते. देखो पहला की नोट मैं आपको पढ़ा चुका हूं. क्या की नोट है पहला की नोट? क्या है? प्रायर पीरियड है तो भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ अदर कंडीशंस याद करो. अपन ये एसी जेड में पढ़ा था, 10AA, याद है क्या? सेकेंड हैंड मशीन नहीं होना चाहिए. सेकेंड हैंड तो एडोमस कितना अलाउड है? 20% अलाउड है, वही आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट आपके लिए नया है. ये इतना हाई लेवल का एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. देखो क्या दिया मैं बताता हूँ. वेयर एसीसी बिल्ड्स होटल ऑफ 2-स्टार एंड अबव कैटेगरी एज क्लासिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सबसिक्वेंटली while continuing to own hotel transfer the operation thereof to another person then he shall be deemed to be carrying on specified business. correct na? he shall be matlab kon? ssc. ye matlab kya? dekho aapko nahi samajh mein aayega. taj group of hotels hai na, pata hai taj bahut acha hotel hai unke. to unne hotel banaya. abhi unko kya bade bade hotels banane ki aadat hai, huge hotels. unne ek chhota hotel bana diya, 100 room wala, 100 रूम्स. करेक्ट ना? हॉस्पिटल के लिए 100 है, होटल के लिए नहीं है. मतलब कहीं पे भी गलत जगह पे क्या अपन कनेक्शन लगा देते हैं. करेक्ट ना? प्रॉब्लम वही पिछले मिस कम्युनिकेशन होता है. सो मैं तो 120 करता हूँ, है ना. हाँ मतलब आपको भी डाउट नहीं आएगा. सो मतलब जो देख रहे हैं उनके लिए. हाँ सो 120 रूम का होटल बनाया है, बट वो ताज के लिए एकदम छोटा है. 120 रूम नथिंग. वो बड़े बड़े होटल मैनेज करते हैं, तो उन्होंने होटल चलाने किसी को दे दिया. तो इंडिया में और ऐसा एक बहुत बड़ा ग्रुप है होटल का, आपको पता नहीं रहेगा, विपुल ग्रुप ऑफ होटल्स. करेक्ट ना? तो उनके 1200 होटल इंडिया में, तो उनको चलाने के लिए होटल दे दिया है. एंड हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, हमने मतलब विपुल ग्रुप ने, जो उसके ओनर है, उन्होंने 200 करोड़ के एसेट्स लिए. तो क्वेश्चन है हु कैन क्लेम डिडक्शन? ये लिखा है यहाँ पे, ताज ग्रुप को मिलेगा. देखो क्या लिखा, ही शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस. मतलब कौन? ही मतलब कौन? एसएससी. तो उसका बेनिफिट एसएससी को मिलेगा. अभी आप, अभी आई थिंक आप समझ नहीं रहे मैं क्या बता रहा हूं. मतलब समझ में आया, बट अभी देखो दोनों एसेट्स खरीद सकते हैं ऐसा. अगर ताज ग्रुप ने ही उनके लिए एसेट खरीदा, सी अगर होटल लूंगा तो हमको एसेट कौन ला के देगा? ताज ग्रुप. मेरा काम क्या है? विपुल ग्रुप होटल्स का बिजनेस को मैनेज करना. जो भी एसेट्स कम पड़ रहे, हु विल ब्रिंग ऑल द एसेट्स? ताज ग्रुप. तो ताज ग्रुप जो एसेट्स मेरे लिए लाके देंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा लिखा है यहाँ पे. और हमने क्या था, हमको भी मिलेगा. हाँ हमको तो, मैं तो उस बिजनेस में हुई, मेरे को तो मिलेगा ही. समझा कि नहीं आपको क्या है? तो अगेन दिस इज रिलेवेंट फॉर फाइनल. सो समझ में आया तो ठीक, नहीं है तो एक्सेलेंट. ज़्यादा टेंशन मत लो.
देन ये पॉइंट फोर कुछ काम का नहीं है, मत पढ़ो, कुछ काम का नहीं है। हाँ अभी ये इंपॉर्टेंट आ रहा है पॉइंट, देखो, नो डिडक्शन, डिडक्शन इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 10AA एन 80I टू 80RRB इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर। मतलब क्या है, मतलब यहां पे जो बिजनेस है वो 10AA में भी आप कर सकते हो एंड 80I टू 80RRB में कर सकते हो, दोनों में प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है। खाली 10AA में प्रॉफिट कब एग्जेम्प्ट, अगर एक्सपोर्ट होता है तो, याद है कि नहीं आपको, 80I में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। तो मतलब एक बिजनेस के लिए तीन जगह पे आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, लेकिन क्लेम एक ही जगह पे करना है। तो ये बिजनेस तीनों जगह पे आ सकता है, क्योंकि 10AA में क्या बोला है, एक्सपोर्ट करना है, बिजनेस कोई भी हो सकता है कि नहीं, तो इसमें से बिजनेस हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो वहां पे तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्लेम करोगे क्या, नहीं। सो अगर यहां पे बेनिफिट क्लेम कर रहे हो तो उन दो सेक्शन में आगे बेनिफिट क्लेम नहीं करना है, ये पढ़ के रखना है बस, बाकी कुछ काम का नहीं है, ये कट कर दो। नाउ लास्ट पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ एसेट। अभी देखो क्या है, यहां पे आपको एसेट्स खरीदने पड़ते हैं ना, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोग क्या करेंगे, बेनिफिट क्लेम करेंगे, नेक्स्ट ईयर बेच देंगे। तो ये ना करने के लिए उन्होंने यहां पे रिस्ट्रिक्शन डाला है। देखो क्या दिया है, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ एसेट। यूज मैं बता दो क्या है, एनी एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज क्लेम एंड अलाउड अंडर दिस सेक्शन शैल बी यूज ओनली फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर द पीरियड ऑफ ईयर्स बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज एक्वायर्ड। मतलब क्या है, देखो मेरे दो बिजनेस है, एक स्पेसिफाइड और एक नॉन स्पेसिफाइड है। तो जो एसेट मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए लिया है वो वहीं पे यूज करना है, नॉन स्पेसिफाइड में यूज नहीं करना है। क्यों, अरे यहां पे फिर मैं 100 क्लेम करूंगा और नॉन स्पेसिफाइड के लिए डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, इसलिए बोला कि दोनों जगह पे यूज नहीं करना है। एंड यूज इज डिफरेंट, सेल कर सकता हूं मैं। हाँ, यूज का मतलब यूज है, सेल नहीं है। तो मैं बेच सकता हूं, बेचने में कोई टेंशन नहीं, लेकिन यूज एक साथ एक एसेट दो बिजनेस के लिए नहीं करना है। ठीक है, क्यों, लॉजिक समझा क्या? यहां पे यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 100% क्लेम करूंगा, एंड वहां पे क्या करूंगा, नॉन स्पेसिफाइड में डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा है बेनिफिशियल ओनरशिप, याद है ना। सो जो बंदा एसेट यूज करता है उसको बेनिफिट मिलता है, हम दोनों जगह पे यूज कर रहे हैं। यहां पे 100 क्लेम कर दिया फर्स्ट ईयर में एंड बाद में यूज हो रहा है उस बिजनेस में हर साल, वहां पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वही लिखा है कि वो उसी बिजनेस के लिए यूज करना है, दूसरे बिजनेस के लिए यूज नहीं करना है। करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, यू विल क्लेम डेप्रिसिएशन अगेन। सेल किया तो चलेगा, सोचो रिस्ट्रिक्शन यूज पे है, सेल पे नहीं है। एक बिजनेस ने दूसरे को बेच दिया, कोई तकलीफ नहीं गवर्नमेंट को, यूज पे रिस्ट्रिक्शन है। बेच दिया तो फिर ये क्लेम पर, बेच दिया तो क्या होगा, नीचे दिया है मैंने, बेच दिया तो बेनिफिट रिवर्स हो जाएगा। एंड उन्होंने खरीदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने पैसे देके खरीदा है ना, तो फिर देन देखे क्लेम डेप्रिसिएशन, क्योंकि वहां पे उनका कॉस्ट इंकर्ड हुआ है। लेकिन मैंने वैसे ट्रांसफर किया तो फोकट में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। वेयर सच एसेट इज यूज फॉर द पर्पज अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग सच पीरियड, अगर आप फिर भी यूज कर रहे हो तो द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ एसेट इज चार्जेड अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर द प्रीवियस ईयर। एंड अगर यूज किया तो फिर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, कितना उसका एक न्यूमेरिकल दिया है, देखो फॉर्मूला भी दिया है। टोटल अमाउंट डिडक्टेबल सो क्लेम इन वन और मोर प्रीवियस ईयर, आपने जितना बेनिफिट क्लेम किया वो, लेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल इफ नो डिडक्शन वॉज क्लेम। देखो बहुत सिंपल है, एकदम ओरली बताया था आपको, दिखने को भयानक फॉर्मूला है, लॉजिक समझेंगे तो एक मिनट का काम है। सिर्फ आपने एक एसेट लिया था 40 लाख का, बराबर है, वो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करके 100% बेनिफिट लिया, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। बाद में आप दूसरे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर उसी बिजनेस के लिए आप यूज करते तो आपको डेप्रिसिएशन मिलता कि नहीं मिलता? हाँ, उस केस में 35 AD नहीं मिलता, दोनों में से एक। सो 40 करोड़ का अगर एसेट है तो 35 AD में 40 करोड़ मिलेगा, एंड 32 में कितना मिलेगा, 40 करोड़ का 15% कितना मिलेगा, 6 करोड़। मतलब 6 करोड़ तो मिलना तय है ना, तो कितना एक्स्ट्रा मैंने क्लेम किया है, 34 करोड़, कितना एक्स्ट्रा क्लेम किया है, बस उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा, ये लिखा है उसमें, इट्स सो सिंपल, करेक्ट ना। तो जितना डिडक्शन क्लेम वो इनकम नहीं मानेंगे, वो तो इनकम होगा, लेकिन 35 AD अलाउ नहीं हो रहा है, मतलब 32 अलाउ हो रहा है, दोनों में से एक तो मिलता है कि नहीं, एंड 32 AD होता तो आई वुड हैव क्लेम डेप्रिसिएशन। सो 40 करोड़ पे 15%, 6 करोड़ तो मिलता कि नहीं, तो 40 में से 6 माइनस होगा, एंड 40 में से 6 माइनस होगा तो कितना इनकम मानेंगे फिर, 34 करोड़ को इनकम माना जाएगा। इज दिस लॉजिकल और नॉट,
न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दे, चलो मतलब आपको डाउट नहीं रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर आर्नो इज अ प्रोपराइटर हैविंग टू यूनिट्स, यूनिट ए कैरीज ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, यूनिट बी कैरीज ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है। यूनिट ए कमेंस ऑपरेशन 1/4/17 एंड क्लेम डिडक्शन ऑफ 100 lakhs इनकर्ड ऑन द परचेस ऑफ टू बिल्डिंग 50 lakh ईच फॉर ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर फॉर FY 18-19। हाउएवर इन फेब्रुवरी 19 यूनिट ए ट्रांसफर वन ऑफ इज बिल्डिंग टू बी एक, है ना, देखो अभी क्या होगा इसमें, तो एक बिल्डिंग ट्रांसफर की है तो दो बिल्डिंग लेते 50 lakh के दो ना, हाँ तो 1 crore का आपने बेनिफिट लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो में से एक बिल्डिंग तो उधर यूज हो रही है, दूसरी बिल्डिंग यूनिट बी को ट्रांसफर हुई, यूनिट बी कौन सा है, नॉन स्पेसिफाइड, तो बोलो कितना इनकम होगा, ये 50 की तो इनकम माना जाएगा बट 32 वाला होगा, बोलो बिल्डिंग के लिए 32 में कितना है 10%, तो 50 lakh का 10% करो, 5 lakh अलग होता तो 50 में से 5 अलग होता ही नहीं हो तो कितना इनकम माना जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। तो यहां पे लिख दो 50 lakh 5 lakh कितना होगा इनकम 45 lakh, इतना सिंपल है वो। तो पहले 50 lakh को इनकम माना जाएगा क्योंकि आपने दूसरे बिजनेस के लिए यूज किया, 35 एडी विड्रॉ होगा तो 50 lakh का जो डिडक्शन क्लेम किया वो विड्रॉ के 50 lakh हो गया, लेकिन 35 एडी नहीं मिलेगा तो 32 तो मिलेगा, तो 32 का डिप्रेशन हटा दो, जो नेट एक्स्ट्रा बेनिफिट है 45 lakh वो आपका इनकम माना जाएगा, सिंपल एज दैट। लॉजिक समझा कि नहीं आपको, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बस मैंने वो प्रोविजन बताने के लिए किया है, जो अपन ने ऊपर किया ना वही क्वेश्चन आता है, ऐसे बहुत रेयर है कि एग्जाम में आए, बट मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन बना के देता ताकि आपको समझने में कोई गड़बड़ ना हो। तो क्या करना है, अगर ऐसा हो गया तो एग्जाम में 35 में जितना बेनिफिट लिया वो लो, कितना बेनिफिट लिया 50, उसमें से 32 में जितना अलाव होता वो क्या करो माइनस, बचाओ बिजनेस इनकम, खत्म। इज दिस क्लियर? अरे हाँ या ना, ओके। नाउ अभी देखो क्या है, सिंस कैपिटल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन, अच्छा काम करो ये आगे का ये मत पढ़ो, कट कर दो, है ना, जरूरत नहीं पढ़ने की। अच्छा ये क्वेश्चन क्या, मैं बताता हूं आपको, आज के लिए एक्चुअल कॉस्ट को क्या हो, यूनिट बी के लिए 50 lakh होगा या 45 lakh होगा, याद करो एक्चुअल कॉस्ट हमने पढ़ा था, 50 किया तो 5 lakh अगेन यूनिट बी भी क्लेम करेगा, क्या होगा 45 लिया जाएगा, वही वो क्वेश्चन था इसलिए मैंने कट करवाया है। सो यूनिट ए के लिए तो 5 lakh इनकम मान दिया ना, 45 lakh इनकम हो गया, तो यूनिट बी के लिए भी कॉस्ट कितना होगा 45, 50 होगा तो अगेन वो 5 lakh का बेनिफिट सेटअप हो जाएगा। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप मत पढ़ो, इतना टेक्निकल नहीं आएगा बट इट्स ओके, समझा आपको, इज दिस क्लियर? चलो थैंक यू, सो सेक्शन 35 एडी इज ओवर।